हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ हिंदी का सिलेबस बीए प्रोग्राम का थर्ड सेमेस्टर का। अगर आपके पास बीए है, थर्ड सेमेस्टर में है अगर आप, एंड आपके पास भी जनरल इलेक्टिव में हिंदी है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज तक जरूर देखें। देखिए, सिलेबस जो है आपका थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का, वो क्या है, चलिए जान लेते हैं। पहले तो मैं आपको बुक का नाम बता देती हूँ। आपकी बुक का या सब्जेक्ट का नाम है हिंदी गद्य उद्भव और विकास क। क का मतलब है जिन बच्चों ने ट्वेल्थ क्लास तक हिंदी पढ़ी है। अगर आपने ट्वेल्थ क्लास तक हिंदी पढ़ी है तो आपके पास हिंदी क होगी, ठीक है। सिलेबस देखिए, टोटल आपकी 4 इकाइयाँ आएगी। तो पहली इकाई में आपको पढ़ना है हिंदी गद्य रूपों का सामान्य परिचय और विकास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, एकांकी एंड व्यंग्य, ठीक है। इकाई 2 में आपको कहानी पढ़नी होगी। कहानी कौन कौन सी, नमक का दग होगा जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, मलबे का मालिक जो मोहन राकेश ने लिखी है। इकाई 3 में आपको पढ़ना है निबंध भावों मनोविकास जो कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, मेरे राम का मुकुट भीग गया जो कि विद्या निवास मिश्र ने लिखा। इकाई 4 में आपको पढ़नी है अन्य गद्य विधाएँ जो कि है दीपदान जिसे राम कुमार वर्मा ने लिखा एंड सुभद्रा जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा। तो ओवरऑल ये आपका सिलेबस है बीए का, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई करनी है। मुझे उम्मीद है आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा एंड आपके लिए यूज़फुल भी कहा होगा, ठीक है। ऐसी ऐसी वेब एंड कॉलेज से रिलेटेड सारी जानकारियों के लिए एंड स्टडी मटेरियल के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।